अम्मा की यही ड्यूटी रहती है रोज दराती की धार निकालने की। तो दोस्तों मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं किस टाइप के ब्लॉग बनाऊं करके। तो दोस्तों मुझे अभी ताई जी ने रुला दिया था, मैंने बोला मेरे पति देव जी आज आ रहे हैं ऊपर, तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कोई डिश बनाओगी तो शेयर करना, तो डिश तो क्या ही बनते हैं पहाड़ों में। तो दोस्तों ये सासू जी के मायके से आया है पिनालू के पत्ते जिसको बोलते हैं पहाड़ी में गब। ऊजा चाची 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 वो नाम की भी की भी थे नाम ऊजा आशी। हेलो दोस्तों मैं उठ चुकी हूँ, अभी बजे है 5, तो अब मैं चलती हूँ ऊपर काम वाम करती हूँ। बाहर तो फिलहाल अभी अंधेरा ही हो रखा है, फाइनली दोस्तों सुबह का सारा काम हो चुका है, तो मैं अभी आई हूँ अपने रूम पे ब्लॉग की स्टार्टिंग करने, क्योंकि सुबह मैं उठ गई थी 5 बजे, तब नहीं करा मैंने क्योंकि सभी लोग सोए थे डिस्टर्ब होगा करके, थोड़ा सा बताया मैं उठ गई हूँ करके, आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाया 5 बजे का। तो अभी सुबह का सारा काम भी हो चुका है, नाश्ता भी कर लिया है हमने, तो अभी मुझे बर्तन सभी के हमारे YouTube चैनल पे। हेलो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पहाड़ी गिट्टू ब्लॉग्स में स्वागत है। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी मॉर्निंग के 8:30 बजे से, तो हमने कर लिया है ब्रेकफास्ट, अब देखते हैं कहाँ जाने हैं। आप लोग भी बने रहे ब्लॉग के साथ। तो झाड़ू बर्तन भी हो चुका है हमारा, चलिए फिर मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार आज का मौसम। तो यहाँ पे धो रहे हैं दोस्तों सासू जी कपड़े, मैं दे दूँ उनको जहाँ पे अंताजे होना है को काटू। दोस्तों अब मैं जा रही हूँ घास काटने के लिए, आज मैं अकेले जा रही हूँ दोस्तों, और लोग कोई कहीं जा रहा है आज। आज तो बहुत भयंकर धूप लग गई है सुबह सुबह, चटक वाली बिल्कुल। ये महाराज देखिए यहाँ पे खा रहे हैं घास अपनी मम्मी के साथ। ला ये देखिए इतना गंदा है, ये मारने के लिए आ रहा है, अब ठीक हो गया ने, अब मारने के लिए आने लग गया है, इसकी बहुत भयंकर तबीयत खराब हो रखी थी, अब सही हो गया तो मारने के लिए आ रहा है। अब दोस्तों मैं जा रही हूँ घास, तो अम्मा निकाले मेरी दराती की धार, अम्मा की यही ड्यूटी रहती है रोज दराती की धार निकालने की। है पाउ जाने
घास को आ जाना। तो गाइज मैं निकल चुकी हूँ घास काटने के लिए, आज मैं अकेले जा रही हूँ। तो दोस्तों धूप की तो क्या बात करूँ, आज इतनी भयंकर लगी क्या बताऊँ, चटक वाली। सुबह से ही स्टार्ट होगी धूप आज तो। तो गाइज यहाँ को थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, तो मिलती हूँ आपको थोड़ा सा ऊपर जाके। कहीं मैं गिरे रहूँगी नीचे। तो दोस्तों पहाड़ में यही काम रहता है, रोज़ घास जाना, घर का काम करना। तो मैं यही दिखाती हूँ अपने दिनचर्या ब्लॉग पे आपको। तो दोस्तों मैंने आपके साथ एक बात शेयर करनी है। तो दोस्तों मेरे डेली ब्लॉग यही रहते हैं, घर का काम, घास जाना, खाना बनाना, ये वो। तो पहाड़ों की लाइफ ऐसी ही है, तो मेरा भी यही काम रहता है। मेरी ससुराल की लाइफ भी ऐसी है, सुबह से शाम तक जो भी काम रहता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं करती क्या हूँ, कहाँ जाऊँ ब्लॉगिंग करने के लिए, तो घर में ही रहती हूँ, तो घर का काम दिखा देती हूँ आपको। वो मेरे सब्सक्राइबर ऐसा बोलते थे, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया करो, थोड़ा सा अलग दिखाया करो। तो मैं क्या अलग दिखाऊँ मुझे समझ भी नहीं आता बिल्कुल भी। या तो आप लोग अपना सोल्यूशन दें, क्या पता आपके सोल्यूशन से मैं थोड़ा सा अलग कर पाऊँ। मुझे तो समझ भी नहीं आता मैं क्या दिखाऊं करके, मैं कहाँ जाऊं ब्लॉगिंग करने के लिए, क्या अलग दिखाऊं करके। तो मैं घर में ही रहती हूँ, रोज़ यही काम करती हूँ, घास जाना, ये करना, वो करना। तो मैं यही दिखा देती हूँ आपको। और दोस्तों मेरे भैया भी बोल रहे थे, थोड़ा सा बहन अलग दिखाया कर कुछ अलग। तो मैं क्या अलग दिखाऊँ मुझे समझ भी नहीं आ रहा। ब्लॉगिंग करनी अच्छी बात है, पर थोड़ा सा बहन अलग दिखाया कर बोल रहे थे भैया। तो क्या अलग दिखाऊँ मुझे बिल्कुल भी समझ भी नहीं आ रहा। या तो आप लोग अपना सोल्यूशन दें मेरे को कि ये इस टाइप के ब्लॉग बनाओ करके, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसी टाइप के बनाऊँ। तो दोस्तों मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं किस टाइप के ब्लॉग बनाऊँ करके। मैं रोज़ आपको यही दिखा देती हूँ जो काम करती हूँ मैं अपने दिनचर्या वाले ब्लॉग पे। तो दोस्तों मैंने कर दी है अपनी बात आप लोगों के साथ शेयर, तो आप लोग ज़रूर बताएँ कमेंट करके। चलिए फिर दोस्तों अब मैं काटती हूँ घास, टाइम भी हो रहा है, फिर ज़्यादा धूप लग जाएगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है फिर धूप भी ज़्यादा बढ़ते जाएगी। तो अब मैं काटती हूँ घास, फिर ज़्यादा धूप लगेगी तो मैं नहीं काट पाऊँगी घास, मेरा घास नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कम लगी है अभी धूप, तो मैं काट लेती हूँ। यहाँ पे छाया भी आई है। फाइनली दोस्तों मेरा घास हो चुका है, तो मैंने काटे हैं 7 पुए, तो घास भी काट लिया है। अभी तो बादल भी लगे हैं, मौसम ने अच्छा साथ दिया, बादल लग गया है, कभी बादल आ रहा कभी धूप आ रही। तो अब मुझे घास बांधना है, फिर चलती हूँ घर को। ये देखिए इतना काट रखा है मैंने। ये देखिए दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पुए काट रखे हैं मैंने। तो अब इनको बांधती हूँ, फिर चलती हूँ घर को। तो दोस्तों मैं पहुँचने वाली हूँ घर, यहीं पे गई थी मैं घर के उधर को, नज़दीकी गई थी घास काटने, तो पहुँचने ही वाली हूँ घर, दिखने भी लग गया घर। तो अब मुझे बांधने हैं भैंसों को गोठ में, और पानी तो दे दिया है अम्मा ने, नहला भी दिए हैं। अब इनको गोठ में बांधती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। तो यहाँ पे धो रहे हैं ताई जी कपड़े, धनुली ताई जी। दोस्तों मैं ताई जी के नाम में कंफ्यूज थी, मेज़दा ताई, महेश दद्दा की ताई बोलते होंगे, तो मैंने सोचा इनका नाम मेघा है। आज मुझे पता चल गया इनका नाम तो धनोली है, खा मेघा ताई के नाम से बुलाती थी, आज मेरे को पता चल गया इनका नाम तो धनोली है। मील जबड़िया नाम दे रही तमन ने बताई जी। क्या है यहाँ हमारे वहाँ पे कपड़े धोने नल पे। हेलो। तो दोस्तों आज मुझे ये वाला भैंस बांधने नहीं दे रहा है गोठ में, मारने के लिए आ रहे हैं।
आज पता नहीं इसको क्या हो गया है, कभी कभी तो कुछ नहीं करता है, कभी कभी पता नहीं क्या होता है इसको। जा जी जी ओनू वाली भैंस खाले हफ्ती तो भली कब्बा ढूंढती है हफ्ती पत्ते क्यों वाली। ये देखिए अभी देखना गाई जी मारने के लिए कैसा करेगा मेरे को देखना। ले हट हट अहे हट अहे अहे ले दाता तुम मरो लो जा ये ताई जी ने तो मार दिया इसको क्या हाल मन आयो अहे अहे उठ तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ गोबर फेंकने, देख ही रहे हो गया आप लोग। पका लो आम बात टावर जनोनी वे आज तक तेली ही आ जाना। की हुगर जाना भाई। तो दोस्तों मुझे अभी ताईजी ने रुला दिया था, मैंने बोला मेरे पति देव जी आज जा रहे हैं ऊपर, वहाँ नेटवर्क नहीं आता है बोला, तो ताईजी रोने लग गए, मेरे को भी आ गया रोना। तो दोस्तों पतिदेव को भी जाना ही पड़ेगा ऊपर, उनके हाथ की बात की थोड़ी है, जब मन करे तो जाओ जब मन ना करे तो ना जाओ, उनको भी जो ऑर्डर मिला होगा उसको फॉलो करना पड़ता है। तो अब हमारी कॉल पे बात नहीं हो पाएगी 3-4 महीने तक, क्योंकि वो वहाँ नेटवर्क नहीं आता बिल्कुल भी जहाँ वो जा रहे हैं। तो कभी वाईफाई मिलेगा तो उसके द्वारा कभी हमारी वीडियो कॉल पर बात हो पाएगी, वरना कॉल पर तो कभी नहीं हो पाएगी 3-4 महीने तक। फिर क्या करें, जाना ही हुआ, क्या कर सकते हैं। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, ताई जी ने मुझे रुला दिया था, तो बोल रहे थे अरे ऊपर जाने वाला है ये वो, तो उनको भी रोना आ गया था, मेरे को भी आ गया था, बुरा जैसा लगा, क्या करें जाना ही हुआ उन्होंने। तो चलिए कभी हो जाएगी हमारी बात, टेंशन तो नहीं है, कभी वाईफाई मिलेगा तो कभी हफ्ते दो हफ्ते भर में हो जाएगी वाईफाई के द्वारा बात हमारी वीडियो कॉल पर, फ़ोन पर नहीं हो पाएगी कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। चलिए फिर दोस्तों अब चलती हूँ ऊपर, देखती हूँ क्या करना है, खाना बनाना है या क्या करना है, क्या कर रहे हैं अम्मा, देखती हूँ। तो अब मुझे खाना बनाना होगा, अम्मा बनाते हैं या मेरे को ही बनाना पड़ता है पता नहीं, देखते हैं ऊपर जाके। तो दोस्तों यहाँ पे अम्मा ने कुकर की पुताई करके रखा है चूल्हे पे, तो अब मैं बनाती हूँ इसमें भात, क्योंकि ये काला हो जाएगा ना इसलिए अम्मा ने इसको राख से पुताई कर रखी है इसकी, झोल लग जाएगा इस पे, नहीं तो आता ही नहीं है फिर उसके बाद। तो अब यहाँ पे आ गए हैं ताई जी और आराध्या हमारे वहाँ, खान पका है ना जा रही है ना की साफ सफाई ए आरू ए आलू ए आरू चाची बोल चाची बाय बाय जय भी कर दे जय ओहो गजब चाची हैं अच्छी बच्ची है आराध्या, तो जय भी करती है बाय भी बोलती है। नाम की भे नाम की भे नाम वो नाम की वो बता दी चाची को बता दी नाम आशी को आशी या अलग तीन ने को वो पापा क्या होनी भे बो हैं क्या होनी भे मानिया चाची उजा चाची 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 वो नाम की भे
की बे थे नाम पूजा आशी बो पप्पा के होनी बे मानी उदा मानी मानी बे तो अ मानो ओ पप्पा बो है क्यों हूं मानी बो तो दोस्तों भात बनने वाला है, अब मैं बनाती हूँ। आज मैं बना रही न्यूट्रेला की छोले, आपको भी दिखाऊंगी अभी मैं कैसे बनाती हूँ करके। आपको भी पता ही होगा सिंपल सा होता है छोले बनाना। तो यहाँ पे बन रहे हैं भात कुकर पे, एक सीटी आ गई है, एक आने देती हूँ फिर निकाल देती हूँ। तो अब मैं ले जा रही हूँ बेसन, बेसन डालेंगे झोले पे। बेसन की झोली बना रही हूँ और न्यूट्रेला की। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कोई डिश बनाओगी तो शेयर करना, तो डिश तो क्या ही बनते हैं पहाड़ों में, दाल भात झोली भात, बस यही रह रहा रात में, रोटी सब्जी बस। डिश कभी कुछ खास काम होते हैं, कभी कि कोई फंक्शन होते हैं तो उस पर बनते हैं कभी कभार, और नॉर्मली सा कभी मीट सब्जी रोटी दाल भात छोली यही सब बनाते हैं। तो कभी कुछ खास होगा, कभी हम कुछ बनाएंगे स्पेशल डिश, तो आपको ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो मैंने डाल दिया धनिया पाउडर, अब मैं डालूँगी हल्दी। मैंने निकाल दिया है मट्ठा, अब इसमें डालेंगे बेसन और मट्ठा को मिलाएंगे, मसाला और बेसन। तेल भी होने वाला है, इसमें डालूंगे अभी जीरा फिर प्याज। फिर उसके बाद बड़ी डाल के बड़ी को भुनेंगे। खोल तो अब मैंने डाल दिए हैं बड़ी, इनको थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। तो पक रही है झोली। तो दोस्तों आपको भी खानी है झोली, तो आइए बड़ी की झोली। तो दोस्तों ये सासू जी के मायके से आया है पिनालू के पत्ते, जिसको बोलते हैं पहाड़ी में गब। ये देखिए मिठाई, मक्का कट्टे में भरे पड़े हैं। ये देखिए इसमें भी मक्का है, ये मिठाई भेज रखी है, ये पूरी है, इसमें पूरी है। मैं भी मिठाई खा रही, अम्मा खा रहे हैं यहाँ पे मिठाई, बहुत है मिठाई। तो मैं खा रही हूँ दोस्तों मिठाई जो सासू जी के मायके से आई है, वहाँ से आई है मक्का मिठाई पिनालू के पत्ते मक्के, इतना सामान आया है सासू जी के मायके से। चलिए फिर दोस्तों अब मैं चलती हूँ खाना खाने के लिए, तो मुझे रहा नहीं जा रहा है, अब पेट में कूद रहे हैं चूहे। तो अब मैं चलती हूँ खाना खाने के लिए, फिर मिलती हूँ आपको खाना खाने। फाइनली दोस्तों हमने खा लिया है खाना, जस्ट खा के मैं अभी नीचे आई हूँ अपने कमरे में रेस्ट करने, तो झाड़ू बर्तन भी हो चुका है। तो आप लोग ज़रूर दें अपना सुझाव मैं किस टाइप के ब्लॉग बनाऊँ करके, कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग।